स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। ये लीजिए रिपोर्ट, हमारे घर से कोई आके ले जाएगा। अरे धर्म, कैसा है तू? अब ठीक है? थैंक्स यार मेरा बिल भरने के लिए, मैं पैसे वापस जल्दी लौटा दूंगा। इंटरेस्ट के साथ देना। धर्म यार तू कैसी बातें करता है, भाई बोलता है ना मुझे अपना। और वैसे भी तेरी ये हालत हमारी वजह से तो हुई है, मुझे तो बचाने आया था तू। चलता हूँ। धर्म, तुमने जो गाड़ी हमारे लिए बुलाई है वो नीचे आ गई होगी, हम तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं, मैं चला जाऊंगा, वैसे ही बहुत कुछ गलत कर चुका हूँ, अब और गलत नहीं करना चाहता। और विकास के साथ जो कुछ भी किया मैंने बिल्कुल सही नहीं किया, हो सके तो मुझे माफ करना। धर्म यार तू कैसी बातें कर रहा है, इधर आ। इस तरह की बातें मत कर, हो जाता है कभी कभी। और वैसे भी मेरा घर तेरा घर, मेरे घर वाले तेरे घर वाले, अपनों से हो जाती है कभी कभी नाराजगियां यार। हाँ धर्म, गलती इंसानों से तो होती है और इससे तो कुछ ज्यादा ही होती है। पागल है ये। चलता हूं मैं। अच्छा धर्म, एक बात नहीं समझ आई यार, तुझे कैसे पता कि अंजलि के साथ जो भी हो वो विकास ने नहीं किया और उसमें हमारी फैमिली की कोई गलती नहीं है? अभी तूने कहा ना, बोला वो मैंने समझाया धर्म को, विश्वास दिलाया, इसलिए वो मान गया। पर तुमने तो उस दिन भी समझाने की कोशिश की थी, अंजलि के साथ ही आया था, मुझे विक्रम चाचू ने सब कुछ बताया, तो तब क्यों नहीं माना? राज, मैं उस दिन बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए मुझे कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी गौरी की। लेकिन उसके बाद जब गौरी ने मुझे समझाया, मैं समझ गया उसकी बात को। कार आ गई होगी, हम लोग चलते, सब लोग टेंशन में होंगे घर पे। हाँ चलो। बिल्कुल ठीक है, मैंने फोन करके बताया था ना। आज के बाद तू मेरी आंखों के सामने से कहीं नहीं जाएगा। डन। गौरी, आपका फोन मेरी गाड़ी में रहेगा। थैंक्स। अब अजय प्रताप सिंह। माँ, आप जानते हैं सर, आप कैसे जानते हैं मुझे? बेटा तुम्हारे मामा हम सबको जानते हैं और हम सब तुम्हारे मामा को। तुम्हारे मामा ने ही जिक्र किया था तुम्हारी शादी के लिए हमारी बेटी अदिति के साथ। ओह यस, यस आई रिमेम्बर, बताया था उन्होंने मुझे, मेरी पिक्चर्स मिल की होगी आपको, राइट? मैंने कहा था उनसे कि अगर एक बार यहाँ से जवाब आ जाए फिर उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। आई मीन पिक्चर्स में क्या रखा है, असली पहचान तो मिलकर होती है, राइट? अब अदिति बेटा नीचे आओ जल्दी से। बेटा इनसे मिलो, ये है अजय, अजय प्रताप सिंह, और अजय ये है मेरी बेटी अदिति। हाय। सही कहते हो लोग, जब किस्मत को आना होता है आने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। आई मीन उस दिन आपने मेरी मदद की और आज हमारी फैमिली की। राज, नाइस टू मीट यू। गुड टू सी यू गाइस। मैं अरेंज मैरिज के लिए रेडी हूँ, पर ऑल ऑफ सडन ऐसे किसी लड़के को बुलाना, आई डोंट लाइक। अदिति हमने बुलाया नहीं था, कोइंसिडेंटली हो गया बेटा। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। अरे नहीं, हमारे फैमिली मेंबर को ही मिल गए बाहर। मैं चलता हूँ।
हमारी बेटी को भी मिल लिए। अरे बेटे सुनो, कहाँ जा रहे हो आप? होटल। सुना आपने, इतनी बड़ी हवेली है और होटल जा रहे हैं। लीजिए, आप ही बात कर लीजिए। मामा जी। जी जी मामा जी। मामा जी, लेकिन वो बुकिंग वगैरह हो चुकी थी। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी ठीक है। अच्छा अब चलो, सब फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवा देती हूँ। आओ बेटा आओ। गौरी, बहुत नाराज होना मुझसे, मैंने काम ही ऐसा किया है। सारे हादसे मेरी वजह से तो हो रहे हैं, सॉरी बोलने के लायक भी नहीं, बट थैंक्स, थैंक्स कि तुमने मेरी जान बचाई। हमारे बीच में जो कुछ भी हो रहा है गौरी, उसके बावजूद तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हारे पापा की जान और तुमने मेरी जान। राज, ऐसी बात नहीं। जानता हूं कि ऐसी बात है, बहुत बड़ी बात हुई है, मौत हुई है गौरी। मैं जानता हूं कि तुम चाहो भी ना तो भी जिंदगी भर मुझे माफ नहीं कर पाओगी, एंड आई जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लेता, लेकिन इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। मैं अपने आप को तुम पर थोपना नहीं चाहता गौरी, जबरदस्ती तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहता। ये दरवाजा आज से मेरे लिए एक दीवार है, जिसे तोड़ने की तुमने मुझे परमिशन नहीं दी, लेकिन तुम्हारे लिए ये दरवाजा ही है, इसलिए तुम्हें कभी भी लगे कि मैं माफी के लायक हूं या तुमने मुझे माफ कर दिया, बस ये खोलकर मेरे पास आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। राज, मेरा दिल कहता है मैं अभी तुमसे कह दूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम मेरे पापा के गुनेगार नहीं। असली गुनेगार तो वो तांत्रिक, पर क्या होगा कहने से, ये दीवार तो तब भी नहीं टूटेगी क्योंकि तांत्रिक की बात तुम नहीं मानोगे। इसलिए जब तक मैं उस तांत्रिक का अंत नहीं कर देती, तब तक हम दोनों के बीच ये दीवार तो रहेगी ही। करुणा थी, इन्हें तो मैंने संदूक में बंद, ये बाहर कैसे आई? आओ बेटा, ये रहा तुम्हारा कमरा। आई मस्ट से आंटी कि आपका घर बहुत ही खूबसूरत है। आपका नहीं, हमारा। अच्छा, अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होके कह देना। जी। अच्छा तो मैं चलती हूँ,
दोनों बैठ के बातें कर लो, एक दूसरे को जान लो। अभी तो यहीं थी, कहां गई? अरे आजकल तू बहुत जल्दी नहीं डर जाती? देख, तूने मुझे संदूक में अंदर घुसाया था, बंद कर दिया था, लेकिन बाहर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया। बाहर निकल गई हो तो ये मत समझना कि आप जीत गई। नहीं दी, हर मोड़ पर, हर कदम पर ये गौरी आपके सामने खड़ी होगी। माँ गौरी की कसम, आपको आपके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगी। जहाँ पहुंचना था वहां तो मैं ऑलरेडी पहुंच चुकी हूँ। वो संदूक में तूने मुझे डाला था ना, मैं निकल तो गई बाहर। गौरी, तू मेरी इतनी प्यारी, इतनी क्लोज सिस्टर है ना, कि आई फॉरगिव यू। मैं जानती हूँ कि तू नॉर्मल है ही नहीं, तेरे साथ चारों दिशाओं से, चारों तरफ से इतना टॉर्चर जो हो रहा है ना गौरी। हाँ दी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो आप ही तो कर रही हो। मैंने क्या किया है? मैं तो तुझे हमेशा यही बोलती रही कि ये सब मत कर, मत कर, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं मानती। अगर माना होता तो ये सब नहीं होता ना गौरी। देख, अभी वक्त है, समझ गौरी। तुझे पता ही नहीं चलेगा कि तेरे साथ क्या हुआ था, क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है। अब जो होने वाला है वो आपके साथ होने वाला है, क्योंकि मेरे परिवार के साथ अब मैं खड़ी हूँ। तेरे परिवार मतलब? मेरा है मतलब? जितना तेरा है उतना मेरा भी तो है। तभी तो मैं संदूक से बाहर आई, आई ना। और एक दिन हम सबकी जिंदगी से आपको बाहर कर दूंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां से अंदर आई और कहां से बाहर गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।